नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। ब्रिटेन में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया है। सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी के नेता धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पीएम बोरिस जॉनसन को भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो अक्टूबर तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक नए पीएम का ऐलान नहीं हो जाता। बता दें कि पार्टी में ही विद्रोह के चलते जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से चर्चा ये है कि कौन होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय मूल का प्रधानमंत्री अब अंग्रेजों पर राज कर सकता है। फिलहाल जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो ऋषि सुनक हैं। वैसे तो कई नाम प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन है ऋषि सुनक। कौन है ऋषि सुनक? भारतीय मूल के ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ। विंचेस्टर कॉलेज से राजनीति की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड से उन्होंने एमबीए किया। राजनीति में आने से पहले सुनक ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। यहां छोटे कारोबारियों को निवेश में मदद दी जाती है। 2015 में वो पहली बार सांसद बने। बोरिस जॉनसन के इलेक्शन कैंपेन में ऋषि का बेहद अहम रोल था, जिसके बाद पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया। ऋषि सुनक की शादी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई। सुनक का विवादों से भी नाता रहा है। दरअसल पत्नी अक्षता के पास ब्रिटिश नागरिकता नहीं है। ब्रिटिश कानून कहता है कि अक्षता को ब्रिटेन के बाहर होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों को ही ये टैक्स देना पड़ता है। इसी वजह से सुनक और अक्षता पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। उन पर आरोप है कि टैक्स का बोझ बढ़ाने में उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी अपने कार्यकाल में। इसके अलावा कोरोना काल के वक्त शराब पार्टी के आयोजन की वजह से भी सुनक विवादों में रहे। हालांकि कोरोना काल में ही जनता के लिए सुनक ने बेहद ही शानदार काम किया, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी और अब बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में वो सबसे आगे हैं। तो ये जानकारी अभी तक ऋषि सुनक के बारे में निकलकर सामने आई है। सुनक भारत को लेकर भी बयान देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत अवसर हैं और भविष्य में यहाँ पर काफी उम्मीदें भी हैं। भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध बेहतर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सुनक के इस बयान के आधार से समझा जा सकता है कि जैसे रिश्ते मोदी और भारत के साथ बोरिस जॉनसन के रहे, उसी तरीके से अगर सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। फिलहाल सुनक के अलावा जेरमी हंट, नदीम जाहवी, लिज ट्रस, बेन वालेस, पेनी मॉन्ड्रेन भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में चल रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री रहे साजिद जावेद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बता दें कि ऋषि सुनक और ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद के बीच ही जंग मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इन्हीं दो में से कोई एक प्रधानमंत्री फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता कैसे चुना जाएगा, कैसे चुनेंगे नया नेता। नॉमिनेशन के लिए दो सांसदों का प्रस्ताव जरूरी है। पार्टी सांसदों को कई दौर की वोटिंग करनी होगी। एक नाम पर सहमति बनी तो उसी नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। जिसे वोट ज्यादा मिलेंगे वो दावेदार होगा, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ऋषि सुनक और साजिद जावेद के लिए ही वोटिंग हो सकती है। तो ये वो दो नाम हैं जिनके नाम पर चर्चा है और यही दो नाम से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि ऋषि सुनक के बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। तो कुछ इस तरीके से आगे ब्रिटेन की सरकार चुनी जाएगी और बनेगी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन पाते हैं या फिर नहीं। अब इसका फैसला अक्टूबर तक ही हो पाएगा। तब तक बोरिस जॉनसन अपनी जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।